नमस्कार, मेरा नाम सैफ साजन है। आप देखना शुरू कर रहे हैं नेशनपुर। आज मैं यहाँ पे एक सिंपल से रेसिपी बनाने जा रहा हूँ। आप तो थंबनेल में देख लिए होंगे, फिर भी एक बार बोल दे रहा हूँ। बकव्हीट वेजिटेबल नूडल्स। बकव्हीट क्या होता है? कुट्टू होता है। आप जो कुट्टू का आटा खाते हैं वही बकव्हीट होता है। और आपको पता है बकव्हीट में बहुत सारा बेनिफिट है। हमारे डाइजेशन सिस्टम को ये अच्छा रखता है। अच्छा खासा इसमें प्रोटीन है और इसमें अच्छा खासा फाइबर है। और तो और हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। मैं देरी ना करके बनाने जा रहा हूँ, लेकिन बनाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे व्यूअर्स हैं एक लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यहाँ पे ग्लूटेन फ्री और मिलेट से भरपूर रेसिपी मिल जाएगा। तो देरी ना करके जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं देरी ना करके जाता हूँ बनाने, लेकिन ब्रेक के उस पार। सोभा नूडल को पहले हम बॉईल करेंगे। ये सोभा नूडल ऑनलाइन में मिल जाता है और मार्केट में भी मिल जाता है, ठीक है। अभी इसको बॉईल कर लेंगे। ये 5 से 7 मिनट के अंदर बॉईल हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया और इसको मीडियम फ्लेम में बॉईल कर दूँगा। अभी यहाँ पे इसको देख लेते हैं ये हुआ है नहीं हुआ है। जी, मेरा यहाँ पे नूडल्स हो गया है। तो मैं अभी क्या करूँगा, इसको स्टेन कर लूँगा। तो चलिए स्टेन कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसको सेपरेट कर लेते हैं और ये ठंडा होने तक इसको हम ऐसे रखते हैं, ठीक है। अगर आप ठंडा करने के लिए इसको स्प्रेड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक कढ़ाई लूँगा, इसमें मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा ऑयल लूँगा, थोड़ा सा गार्लिक चॉप लूँगा और इसको थोड़ा से सौते कर लूँगा, ज़्यादा भूनूँगा नहीं, ठीक है। अभी क्या करूँगा, अभी यहाँ पे वेजिटेबल लेंगे। वेजिटेबल में मेरे पास क्या है, ओनियन है मेरे पास और कैप्सिकम 3 कलर का है। 3 कलर का नहीं है तो 1 कलर का कैप्सिकम आप ले सकते हैं। और कैबेज है, बीन्स है और कैरेट है। ये सबको मैं स्लाइस करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है, इसको सौते करना है। कितना सौते करना है, थोड़ा क्रंचीनेस रखना है इसको, ज़्यादा सौते नहीं करेंगे। 1 से 2 मिनट के अंदर इसको सौते करेंगे। अगर ज़्यादा सौते करेंगे फिर ये सौगी हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा क्रंचीनेस है। अभी मेरा सौते हो गया है तो नूडल्स को यहाँ पे मिला दूँगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे थोड़ा से हिमालय पिंक सॉल्ट ऐड कर देता हूँ। और क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर क्रश ऐड कर दिया और थोड़ा से स्प्रिंग ऑनियन। अगर स्प्रिंग ऑनियन नहीं है तो आप क्या करेंगे, कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया का पत्ता भी आप डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। यह हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। मिक्स करने के टाइम पे आप स्लो फ्लेम में मिक्स करना, ठीक है, नहीं तो ये चिपक जाएगा। अभी ये रेडी हो गया तो प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारा प्लेटिंग रेडी है और ऊपर से थोड़ा से रोस्टेड पीनट दे देते हैं और थोड़ा से सिसमे सीड और थोड़ा से गार्निशिंग कर लेते हैं स्प्रिंग ऑनियन। और हमारा बकव्हीट का नूडल्स तैयार है। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बन के तैयार है हमारा बकव्हीट वेजिटेबल नूडल्स। ऐसे ही हेल्दी, टेस्टी और ग्लूटेन फ्री रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी हेल्दी, टेस्टी और ग्लूटेन फ्री रेसिपी चाहते हैं तो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट लगा देता हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अरे सुनिए सुनिए, जाइए मत। नेक्स्ट जो रेसिपी है ना, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तब तक के लिए बनाइए, खाइए और हेल्दी रहिए। जय हिंद।